अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कदामत पसंद वुजराए आला कार्बन की कीमतों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कदामत पसंद वुजराए आला कैनेडियन को गुमराह कर रहे हैं। ट्रूडो का पेयर पॉलीवर पर अहम कानून साजी रोकने का इल्ज़ाम। ऑन्टेरियो के चार बड़े स्कूल बोर्ड्स की जानिब से फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मुकदमा दायर। स्कूल बोर्ड्स का कहना है कि प्लेटफॉर्म्स ने बच्चों को एक तरह की लत में गिरफ्तार कर दिया है। बच्चे तरबियत और ज़हनी सेहत के बहरान का सामना कर रहे हैं। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से इस वीकेंड पर टोरंटो का मौसम मिला जुला रहने का इम्कान। वीकेंड पर शहर में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। गजा में खुराक की फराहमी के लिए मौसर इकदामात उठाए जाएं, आलमी अदालत का इसराइल को हुक्म। आलमी अदालत का कहना है कि इसराइल तमाम ज़रूरी और मौसर इकदामात करे, बुनियादी खुराक की फराहमी बिला ताखिर गजा में पहुँच जाए। मॉस्को हमले में 100 से ज़ायद अफराद की ज़िंदगी बचाने वाले नौजवानों के लिए खुसूसी एजाज़। 15 साल मुसलमान नौजवान इस्लाम खलील उफ को रूसी समाजी रहनुमा की जानिब से अवार्ड दिया गया। इस्लाम खलील उफ ने क्रॉक सिटी हॉल से लोगों को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया था। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के कदामत पसंद सियासतदानों पर बशमूल वज़राए आला पर कार्बन की कीमत के बारे में कैनेडियनों से झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के कदामत पसंद सियासतदानों पर बशमूल वुज़राए आला पर कार्बन की कीमत के बारे में कैनेडियनों से झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया। ट्रूडो की हुकूमत कार्बन की कीमतों के खिलाफ बढ़ते हुए हमलों के साथ झुक रही है और वोटर्स तेज़ी से ऐसे सियासतदानों का साथ दे रहे हैं जो कहते हैं कि पॉलिसी उनकी ज़िंदगियों को सस्ता बना रही है। ज्यादातर वुज़राए आला और वफाकी कंजर्वेटिव चाहते हैं कि लिबरल स्पीड को कार्बन की कीमत में $15 फी टन का तयशुदा इजाफा मंसूख कर दें, जिसमें 1 लीटर पेट्रोल में 3.3 सेंट और कुदरती गैस के 1 माह का मीटर में 2.9 सेंट का इजाफा किया जाए। घरानों को हर 3 माह बाद भेजी जाने वाली कार्बन की छूट को भी कार्बन की कीमत के मुतवाजी तौर पर एडजस्ट किया जा रहा है। ट्रूडो ने कहा कि सियासी रहनुमा जो पॉलिसी पर तनकीद करते हैं वो कैनेडियन को इन रियायतों के बारे में तस्लीम करने या मुतला करने में नाकाम हो रहे हैं, जिनका मकसद सार्फीन के खर्चात को पूरा करना है। जो घराने अपने ईंधन का इस्तेमाल कम करते हैं वो पैसे बचाते हैं, लेकिन उनकी रियायत की रकम मुतासर नहीं होती। उन्होंने कहा, इस मुल्क के कदामत पसंद वज़राए आला कैनेडियनों को गुमराह कर रहे हैं, सच नहीं कह रहे हैं। ट्रूडो ने कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलीवर पर कानून साजी को रोकने का भी इल्ज़ाम लगाया, जो दही कैनेडियनों के लिए रिबेट टॉपअप को दुगना कर देगा। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के 4 बड़े स्कूल बोर्ड सोशल मीडिया की कुछ बड़ी कंपनियों को अपनी मसनूआत के हवाले से अदालत में ले जा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के 4 बड़े स्कूल बोर्ड सोशल मीडिया की कुछ बड़ी कंपनियों को अपनी मसनूआत के हवाले से अदालत में ले जा रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि उनके डिज़ाइन के तरीके से बच्चों के सोचने, बर्ताव करने और सीखने के तरीके को मनफी तौर पर तब्दील कर दिया गया है और स्कूलों के काम करने के तरीके में
खलल डाला है। स्कूल बोर्ड्स ने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि उन प्लेटफॉर्म्स ने तलबा की पढ़ाई में खलल डालते हुए और बच्चों को एक तरह की लत में गिरफ्तार कर दिया है। स्कूल बोर्ड्स ने, जो तकरीबन 4 अरब कैनेडियन डॉलर हर जाने के ख्वाहां हैं, कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लापरवाही से इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे इसे इस्तेमाल पर मजबूर हैं और जिसने उनके सोचने, बर्ताव और सीखने के तरीकों को नए सिरे से इस्तेवाल कर दिया है। स्कूल बोर्ड्स का कहना है कि प्लेटफॉर्म साइबर ध्वंस, हिरासा करने, नफरत अंगेज तकरीर और गलत मालूमात को फ़रोग देते हैं और स्कूलों में जिस्मानी तशद्दुद और तनाज़ात को बढ़ाने में उनका हिस्सा है। बोर्ड्स ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि तलबा सोशल मीडिया प्रोडक्ट्स के ज़बरदस्त और ज़बरदस्ती इस्तेमाल की वजह से तवज्जो, तरबियत और जहनी सेहत के बहरान का सामना कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 33 अमरीकी रियासतों ने भी गुज़िश्ता साल मेटा पर मुकदमा दायर करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि उसकी मसनूआत छोटे बच्चों और नौ उम्रों में जहनी सेहत के मसाइल का बाइस बनती है। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मस्कूरा मुकदमे के बारे में पूछे जाने पर ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्थ ने कहा कि वो स्कूल बोर्ड्स की कोशिशों से मुत्तफिक नहीं है। टोरंटो में इस वीकेंड पर शहर में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से इस वीकेंड पर टोरंटो का मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक शहर में धूप के साथ बादलों का राज रहेगा, जबकि रात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान दर्जा हरारत दिन के औकात में 8 और रात के औकात में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार के रोज शहर में धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 9 और रात के औकात में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर होने के बाद गजा में जंगी कार्रवाइयां करने वाले इसराइल के लिए आलमी अदालत इंसाफ ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर होने के बाद गजा में जंगी कार्रवाइयां करने वाले इसराइल के लिए आलमी अदालत इंसाफ ने हुक्मनामा जारी कर दिया। आलमी अदालत के जजेस ने हुक्म जारी करते हुए कहा है कि इसराइल तमाम जरूरी और मौसर इकदाम करे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके के बुनियादी खुराक की फराहमी बिला ताखीर गजा में पहुंच जाए। फलस्तीनियों को कहत के फैलाव की रोशनी में जिंदगी के मुश्किल हालात का सामना है। गजा में फलस्तीनियों को अब सिर्फ कहत के खतरे का सामना नहीं, बल्कि ये कहत पहले ही जाहिर हो चुका है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ के जजेस ने मुतफिका तौर पर हुक्म जारी किया। दरख्वास्त में इसराइल पर गजा में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसके अलावा आलमी अदालत से भूख और कहत के हालात पर नए इकदाम की इस्तदा भी की गई है। दूसरी जानिब अक्वामे मुत्तहिदा ने कहा कि शुमाली गजा में कहत करीब है, मुख्तलिफ इलाकों तक रसाई न होने पर सेहत का निज़ाम भी तबाह हो रहा है। रेड क्रॉस का कहना है कि हाल ही में अमल, शिफा अस्पताल और नासर मेडिकल कॉम्प्लेक्स मैदान जंग में तब्दील हो गए। इन तीनों अस्पतालों में जारी फौजी कार्रवाइयों के बारे में इंतहाई परेशान कुन रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। याद रहे कि लड़ाई के 174वें रोज भी गजा की पट्टी में इजरायली फौज की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद मारे गए। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इजरायली बमबारी के नतीजे में 32,552 फलस्तीनी शहीद, 74,980 जख्मी हो चुके हैं। गजा की पट्टी की 70% इमारतें मुकम्मल या जुज़वी तबाह कर दी गई हैं। कुछ रोज़ कबल रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के करीब एक क्रॉक सिटी हॉल पर होने वाले हमले के दौरान 100 से ज़्यादा अफराद की जान बचाने वाले नौजवान इस्लाम खलील उफ को अवार्ड से नवाज दिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कुछ रोज़ कबल रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के करीब एक क्रॉक सिटी हॉल पर होने वाले हमले के दौरान 100 से ज्यादा अफराद की जान बचाने वाले नौजवानों इस्लाम खलील उफ और आर्तियोम डोंस्कोई को अवार्ड से नवाज दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम नौजवान इस्लाम खलील उफ पढ़ाई के साथ साथ क्रॉक सिटी हॉल में पार्ट टाइम मुलाजमत करता है और 22 मार्च की शाम जब वहां पर दहशतगर्द हमला हुआ तो वो वहीं पर मौजूद था और उसने 100 से ज्यादा अफराद को हंगामी रास्ते से निकाल कर महफूज मुकाम पर पहुंचाया। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली रूसी खातून मारिया लोवा ब्लोवा ने 100 से ज्यादा अफराद की जान बचाने में मदद करने वाले 15 साल मुसलमान नौजवान इस्लाम खलील उफ और 14 साल आर्टेम डोंस्कोई को हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर अवार्ड दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम खलील उफ को रूसी कानून नाफिज करने वाले इदारों और रूस में मुसलमानों के रूहानी पेशवा मुफ्ती शेख रावल
गीनत उद्दीन की तरफ से भी ऐसा साथ मिलने की तवक्को है। रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रॉक सिटी हॉल से लोगों के इनखिला में उसकी मदद करने पर उसके 14 साल साथी आर्तियोम डोंस्कोय को भी अवार्ड दिया गया है। वाज़ेह है कि इस्लाम खलील ऑफ की क्रॉक सिटी हॉल से लोगों को निकाल कर महफूज मकाम पर पहुँचाते हुए बनाई गई एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।